जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि ऐसी सतत भिन्न जो अनंत तक हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, उसको हम कैसे जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरह करके दिया हुआ, कहां तक जा रहा? अनंत तक। तो देखने में तो बड़ा भारी लग रहा है कि इसको हम कैसे जोड़ेंगे, लेकिन है बड़ा सिंपल। आपको हम बता रहे, पहले कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। जैसे मरुस्थल है या महासागर है, उसमें से आप एक गिलास पानी निकाल लीजिए या एक गिलास पानी आप डाल दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम यहां से ना देखें, अगर हम इसको यहां से देखें, यहां से देखें, तो ये भी किसके बराबर है? ये भी किसके बराबर है? इसी एक्स के बराबर है। किसके बराबर है? इसी एक्स के बराबर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? यहां तक ठीक। अब क्या करें हम, इसको हम तिरछा गुणा कर लें और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। इसको जब आप श्रीधराचार्य से हल करेंगे तो बनेगा ये बटे दो। एक्स बराबर ए प्लस माइनस होता है, माइनस वाला हम नहीं लेंगे, माइनस वाला हम नहीं लेंगे। तो एक्स बराबर ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस फोर बटे दो। यहां तक समझ गए? अब मान लीजिए ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब यहां अंक बदल दे, वो अंक बदल दे, इस तरह कर दे और कहे एक्स का मान निकालें, एक्स का मान निकालें। तो क्या करेंगे आप, देखिए ए की जगह पे क्या है? एक। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक प्लस इसका वर्ग करें, क्या करेंगे हम, ए का वर्ग करेंगे और चार जोड़ दें, और नीचे हमेशा दो ही रहेगा। नीचे क्या होगा? हमेशा दो ही रहेगा। जोड़ें इसको, तो ये कितना हो गया, एक का वर्ग एक, चार और एक पांच, पांच बटे दो। एक्स का जो मान आया वो आया एक प्लस अंडर रूट पांच बटे दो। इसको ऐसे भी लिख देते हैं कभी कभी, तो दोनों एक ही है। इस चीज का आप ध्यान रखना, खाली अंडर रूट पांच पे ही है, रूट पांच पे ही है, एक पे नहीं है। अगर इसको इस तरह किसी विकल्प में लिखा हुआ है, ये पूंछ बाहर तक है, तो ये गलत है। सही कौन सा है? ये वाला सही है। एक सवाल और इस पे करके देखते हैं हम। यहां कुछ भी लिख दें, वाई बराबर लिख दें हम, दो प्लस, दो प्लस इस तरह करके चला जाए, इस तरह करके बढ़ता जाए, कहां तक? अनंत तक जाए। तो हम क्या करेंगे, y का मान निकालने के लिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको आप लिखें, फिर प्लस का निशान लगाएं, फिर इसी का वर्ग कर दें, इसी का क्या करें, वर्ग कर दें। तो दो का वर्ग चार, और कितना जोड़ेंगे, चार, और नीचे बटे दो। तो दो प्लस अंडर रूट आठ, आठ बटे दो। यहां तक ठीक है? ये और हल हो सकता है, आठ, आठ का वर्गमूल दो अंडर रूट दो बटे दो, दो दो से कट गया तो आया एक प्लस अंडर रूट दो। इस तरह आप इसको करते जाएंगे और एक ही सेकंड में आप उसका आंसर
जज कर लेंगे। जैसे एक सवाल और लिखें, आप लोग उसका आंसर जज करके बताएं। कहां तक है? अनंत तक है। क्या करेंगे? सबसे पहले एक लाइन खींचे। सबसे पहले क्या करें? एक लाइन खींचे, नीचे लिख दें दो। आंख बंद करके इसको आप लिख दें दो। अब क्या करेंगे? आप तीन लिखें। तीन लिख दिया, यहां प्लस है, प्लस लिख दें, अंडर रूट लगाएं। इसका वर्ग कर दें। इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तीन तिया नौ, मतलब तीन का वर्ग नौ, और चार इसमें मिला दें। ये चार हमेशा जुड़ेगा, तो तीन प्लस अंडर रूट 13/3, ये हो गया इसका आंसर। अब अगर यहां हम बदल दें इसको, मान लीजिए हम कर दें चार, इसको भी कर दें चार, और इसको भी कर दें चार। अब इसका आंसर बताएं, जवानी बता देंगे आप। इसका आंसर अब क्या करेंगे? आप जवानी बता देंगे। बताएं, सबसे पहले क्या बताया था? लिखेंगे दो, फिर लिखेंगे ऊपर चार, फिर प्लस अंडर रूट, चार का वर्ग 16, और चार मिलाएं 20, अंडर रूट 20/2। इसको और हल कर लेंगे, और छोटा हो सकता है ये, 20 का वर्ग वर्गमूल 2 अंडर रूट 5/2, तो 2 से सब में भाग कर दें, 2 से इसमें भाग किया या 2, और 2 से इसमें भाग किया कट गया, तो 2 प्लस अंडर रूट 5। अब ये तो प्लस वाला था। अब ऐसी एक अनंतक सीरीज जिसमें क्या हो? माइनस हो। क्या हो? माइनस हो, तब क्या करेंगे? कुछ नहीं, जैसे उसमें करते थे वैसे इसमें भी करेंगे। बस यहां अंदर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? माइनस। वहां उसमें क्या करते थे? चार को जोड़ते थे, इसमें आप चार को घटा लेंगे। इतना काम आपको करना है, बाकी कुछ नया नहीं करना है, इतना काम आपको करना है। अब एक दूसरी तरह का और प्रश्न आता है, जिसमें जिसको देख के हमारे पहले ही पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन रहता है वो बड़ा बहुत छोटा सा रहता है, करना उसमें कुछ नहीं रहता। चलें, इस तरह लिखा होता है, बी प्लस 1/c, मान लो इस तरह लिखा, और ये बराबर दिया रहेगा आपके इधर, कोई भिन्न दी हुई होगी, और कहेगा वो कि ए प्लस बी और प्लस सी का मान कितना होगा। तो अगर हम इसको तिरछा गुणा करेंगे, फिर और ऊपर तक जाएंगे, फिर इसको तिरछा गुणा करके समीकरण बना के हल करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत समय लगेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप कर ही ना पाए। तो इसके लिए हम क्या करें? देखें, ये है, इसको तोड़ दें आप। किसमें? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न आपको बताया था, तो इसको तोड़ेंगे कैसे? 5 × 5 = 25 और कितना? 28, 3/28/5, यह है 5 × 5 = 25 और 3/28/5। तो ये जो पहली पूंछ आई, क्या हो गया? यह जो पहली पूंछ आई, यह है ए, यह क्या है? ए के बराबर एक वैल्यू हमको मिल गई, ए बराबर 5। अब बचा क्या? 3/5। क्या बचा? 3/5। इसको उलट दें, क्या करें? इसको उलट दें, तो यह हो गया 5/3। अब फिर यह मिश्र भिन्न,
में बदलें तो 3 × 3 और 2 × 5 बटे 3, तो कितना मिला? एक पूंछ और मिल गई आपको, एक पूंछ आपको और मिल गई। तो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया b के बराबर। अब दो मिल गए तो जो तीसरा बचा, जो क्या हो गया तीसरा बचा, यहां एक चीज और जोड़ देते हैं, यहां जोड़ देते हैं दो, यहां जोड़ दें दो। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करें, इसको भी पलट दें, 3/2 पलट दिया। अब इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि अब इसके बाद बी वाला निकल गया, सी वाला ही निकालना है। अब बना आपका C+2, ये किसके बराबर हो गया? 3/2 के। यहाँ 1/2 कर लें तो अभी कैंसिल हो जाएगा 1/2। अब इसको उधर लेके जाए, यहाँ प्लस था तो उधर गया माइनस हो गया। अब 3/2 में से घटाएं 1/2, कितना आएगा? 1 आएगा। भिन्नों का जोड़ना और भिन्नों का घटाना आपको बताया था कब, जब हर समान हो तो हर को लिख देंगे। चलिए 3 में से 1 घटा दें, 2 2 से कट गया, सी का मान कितना आया? 1 आया। सी का मान कितना आया? 1 आया। तो अब यहां आप रख दें a+b+c, 5+1+1 = 7, 5+1+1 = 7। अब दूसरा देख लें, एक सवाल और देख लें। x+1/y+1/z-1/2 बराबर ये हो गया आपका 19/8, 19/8। अब क्या करें, निकालना क्या है आपको अभी बता रहे हैं। पहले एक्स वाई और जेड के मान निकाल लें, एक्स वाई और जेड के मान निकाल लें। एक्स, एक्स का मान कैसे मिलेगा, एक्स का मान कैसे मिलेगा, इसको मिश्र भिन्न में तोड़ दीजिए तो 8 × 2 = 16 और 3 = 19, तो ये 2 वाला क्या हो गया आपका, मिल गया ये एक्स वाला हो गया। इसकी टांग पलट दें तो 3 × 6 = 2 8, 3 × 6 = 2 8, वाई वाला मिल गया 2, वाई वाला मिल गया 2। अब जेड वाला क्या करेंगे, इसकी टांग पलट दें, ये जो बचा इसकी टांग पलट दें, 3/2, मतलब ये 3/2 z-2 के बराबर है, 3/2, तो ये उधर गया तो 3/2 और +1/2, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2। तो x भी 2, y भी 2 और z भी 2। अब पूछने में कैसे भी पूछ सकता, मान लो इसको उसने पूछ लिया x × y × z, ये कितना होगा, x+y+z ये कितना होगा, या पूछ ले x+y/z ये कितना होगा। तो जब हमारे पास एक्स वाई जेड के मान तीनों हम निकाल लेंगे तो वो सवाल में चाहे जैसे पूछे, चाहे तीनों का जोड़ पूछे, चाहे तीनों का गुणा पूछे, चाहे घटाने वाला पूछे, जो उसकी मर्जी हो वो पूछे, लेकिन हम तुरंत कर लेंगे। देखो एक्स वाई जेड 2 × 2 = 4 × 8, x+y+z 2 × 2 = 4 × 6, x+y/z तो x और y को जोड़ेंगे तो 2 × 2 / 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 / 2 = 2, ये निकला है। या इसमें वो और बना सकता है, x²/y/z² पूछ ले, तो x² = 2, 2 का वर्ग हो गया 4, y है 2 और z का वर्ग हो गया 4, तो 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32,
दो दुनी चार, दुनी आठ, दुनी सोलह, दुना बत्तीस, चाहे इस तरह कर ले या इसको ऐसे भी वो पूछ ले, तो चाहे जैसे वो पूछे, एक्स वाई जेड के मान सबसे पहले हम निकाल लेंगे या ए बी सी के मान सबसे पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद वो चाहे जो पूछे हम कर ले जाएंगे, हम कर ले जाएंगे। तो अब तक आपने भिन्न में समान हर वाले भिन्नों का जोड़, असमान हर वाले भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, छोटी बड़ी भिन्न पहचान करना, सतत भिन्न का जोड़ना और घटाना, और इस तरह के सवाल आप देख चुके, कर चुके, सीख गए होंगे। अब हमको परीक्षाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है। कल के वीडियो में एक टेस्ट सीरीज होगा कल से, और उसको उसमें हम आपको कुछ सवाल देंगे जिसको आप करके अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ हैं। नहीं ऐसा लग रहा हो कि हम बहुत जान रहे हैं, ये तीर मार देंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम में पहुँचते हैं तो टाँटाएँ फुस। तो सबसे पहले क्या है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से हम इस एग्ज़ाम में जाएं और हड़बड़ाएं ना, सवाल को पहले पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ट्रिक हमने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बता दिया है और ट्रिक भी हमने आपको बता दिया है। तो कॉन्सेप्ट भी आप समझ रहे हैं और ट्रिक भी आप समझ रहे हैं। ट्रिक फेल हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट फेल नहीं हो सकता, इसलिए हम कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें। इसके बाद आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अब कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, जो आपको सबसे कठिन लग रहा हो पहले उसी से शुरू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।